नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था और माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ते समय हमने एक बात कही थी, एषाम अंत्यः इतः, अर्थात माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। आज हम वो इत क्यों कहलाते हैं, किस सूत्र के कारण कहलाते हैं, उस सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र का नाम है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र में दो शब्द हैं, हल एवं अंत्यम। इसकी वृत्ति में कहते हैं ग्रंथकार कि उपदेशे अंतिम हल इत स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। हल यानी व्यंजन, अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है, अर्थात अंतिम व्यंजन को इत कहते हैं। संज्ञा होती है ऐसी संस्कृत व्याकरण में आपको अनेक जगह पर, या यूं कहें कि जगह जगह पर यह शब्द सुनने को मिलेगा कि इसकी ये संज्ञा होती है, इसकी टी संज्ञा होती है, इसकी लोप संज्ञा होती है। संज्ञा का आशय क्या है? संज्ञा संज्ञा से आशय है कि नाम रख देना। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं अब तक किसी देश स्थान आदि के, कुल मिलाकर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का कोई न कोई नाम होता है, कोई न कोई संज्ञा होती है, और वो संज्ञा इसलिए होती है जिससे कि व्यवहार में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि हमारी कोई संज्ञा ही नहीं होती, हमारा कोई नाम ही नहीं होता, तो व्यवहार कैसे होता? इसलिए लोक व्यवहार में जैसे पुरुष का या स्त्री का, व्यक्ति का नाम रखा जाता है कि ये मोहन नाम है, इसका नाम सोहन है, इसकी संज्ञा सोहन है, इसकी संज्ञा मोहन है आदि, तो वो इसलिए रखी जाती है कि उनको बुलाया जा सके उस नाम से, उस संज्ञा से। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र के अंदर भी शब्दों की संज्ञाएं आचार्य ने सूत्र से व्यवस्था जो की वो इसलिए की कि जिससे कि इनका व्यवहार हो जाए, जगह जगह पर बार बार उन शब्दों को न कहना पड़े, उन वर्णों को न कहना पड़े, केवल एक संज्ञा कहने से ही काम चल जाए। इनमें से ही सबसे पहली संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, इत संज्ञा। इत संज्ञा करने वाले अन्य भी सूत्र हैं, प्रत्येक सूत्र के पास अलग अलग विभाग है अपना। सबसे पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र हलों की इत संज्ञा करता है, अर्थात व्यंजनों की इत संज्ञा करता है। किस प्रकार के व्यंजनों की इत संज्ञा करता है? तो सूत्र के अंदर इसका समाधान किया गया कि अंत्यम हल, अर्थात अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। अब अंतिम हल भी किस प्रकार का होना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं उपदेश का होना चाहिए, यानी उपदेश अवस्था में होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि उपदेश क्या है? तो उपदेश के लिए कहते हैं ग्रंथकार कि उपदेश है आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारण को कहते हैं। आद्योच्चारण क्या है? तो इसका समास विग्रह करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास। आद्यानाम उच्चारणम इति आद्योच्चारण। आद्यानाम अर्थात प्रारंभिकों का उच्चारण। अब प्रारंभिक, संस्कृत व्याकरण में प्रारंभिक कौन है? संस्कृत व्याकरण में प्रारंभिक हमने पढ़ा था, त्रिमुनि ही प्रारंभिक है, आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन एवं आचार्य महर्षि पतंजलि। इन तीनों ने जो भी कहा है वो सब उपदेश कहलाता है। आचार्य पाणिनि ने क्या कहा? आचार्य पाणिनि ने सूत्र कहे, गणपाठ कहा, धातुपाठ कहा, ये सब के सब उपदेश कहलाएंगे, वार्तिक उपदेश कहलाएंगे, भाष्य के अंदर कहे गए सूत्र आदि या भाष्य के जो वचन हैं वो उपदेश कहलाएंगे। तो इन तीनों ने जो भी कहा वो सब उपदेश कहलाते हैं मूल रूप से, और इन उपदेश में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने का क्या प्रयोजन है? इत संज्ञा, प्रत्येक संज्ञा करने का कोई ना कोई ग्रंथकार का प्रयोजन अवश्य होता है। तो इत संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इस सूत्र को याद करिए, इसकी वृत्ति को याद करिए, इसकी व्याख्या को याद करिए, और इससे संबंधित PDF नोट्स में आपको ग्रुप पे उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।